हे तुम लोग अब घर चले जाओ। हैं? क्या कहा तुमने? हम यहाँ पर पहले से खेल रहे थे ना जियान। हम यहाँ पर अब बेसबॉल खेलेंगे। स्किपिंग तो तुम कहीं भी जाकर कर सकते हो, है ना? देखो बेसबॉल फील्ड में खेली जाती है, समझ गए जियान? वहाँ पर पहले से ही कोई खेल रहा है। तो हम क्या करें? हम भी तो यहाँ पर पहले से खेल रहे थे ना जियान। हमें बेसबॉल खेलना ही है। देखो मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ, चले जाओ। ऐसा कभी नहीं होगा, समझी? मैं लेट हो गया, मुझे माफ कर दो। हाय जियान। मेरी बात सुनो नमिता, जियान हमें यहाँ से हटाना चाहता है, जबकि हम यहाँ पहले से खेल रहे थे। उसे यही जगह मिली है खेलने के लिए। वैसे ये गलत बात है, है ना? हाँ यही तो, जब से मैं भी यही कह रही हूँ। जियान मैं तो नोबिता, तुम घर जा सकते हो, समझे? ऐसा मत कहो जियान मेरे प्यारे दोस्त। देखो नोबिता, हमारा पुराना प्लेयर लौट आया है, इसलिए अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, समझे तुम? सुनियो, ये बहुत गलत बात है। मैं मानता हूँ कि नोबिता बुरा खेलता है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। बिना खेले वो नहीं कह सकते कि मेरी वजह से टीम हारी है, और वैसे भी लड़कियाँ पहले से खेल रही थी, समझे तुम? चुप रहो, यहाँ सिर्फ बेसबॉल खेला जाएगा, समझ गए ना तुम लोग? क्या बेसबॉल खेलना यहाँ इतना जरूरी है? हाँ, हम भी तो तुम्हारे साथ बेसबॉल खेलेंगे ना। लड़कियाँ बेसबॉल नहीं खेल सकती हैं। बेसबॉल लड़कियों के बस की बात नहीं है शिजुका। मुझे कम मत समझना, मुझे भी बेसबॉल खेलनी आती है। क्यों, मैंने सही कहा ना? सही कहा, इनको कम मत समझो, समझे जियान? तो क्यों ना इसका फैसला एक मैच करे। मुझे चैलेंज मंजूर है। तुम क्या कहते हो नोबिता? तुमने ठीक कहा शिजुका। तो फिर आज से 3 दिन बाद यहाँ एक मैच होगा, और अगर तुम्हारी टीम हारी तो यहाँ पर कभी खेलने मत आना, समझे? अगर तुम हारे, मैं चाहता हूँ तुम शिजुका और मुझसे माफ़ी मांगो। सुनियो, क्या बोल रही हो? सही तो बोला था डोरेमोन, कुछ भी हो सकता है। सबको बुलाओ, चलो टीम बनाते हैं। हम टीम बनाने के लिए तैयार हैं, सुन लिया सबने? हम उन लड़कों को मजा चखा कर रहेंगे, और हम ये विश्वास दिलाते हैं हमें उन लोगों से जीतना ही होगा। वो लड़के कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सच में हम उन्हें गेम में हरा देंगे। हमारी लड़कियों में बहुत जोश है, हम शायद ही जीते। हमारा मैच बहुत ही पास है, तो हमें जमकर प्रैक्टिस करनी होगी। अच्छा, तो हमें पहले यूनिफॉर्म चाहिए होगी ना नोबिता? बिल्कुल सही कहा तुमने, यूनिफॉर्म का होना जरूरी है। क्या कहा? यूनिफॉर्म। लेकिन सुनो तुम, डोरेमोन। हाँ ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। मैं तो ड्राइंग में बहुत अच्छी हूँ। क्यों शिजुका? लेकिन हमें इसे और सुंदर बनाने के लिए कुछ और करना होगा। हाँ, मुझे ये आइडिया पसंद आया। तैयार हो जाओ। हमने आखिर डिसाइड कर ही लिया नोबिता, सच में? चलो फिर प्रैक्टिस शुरू करते हैं। अरे नहीं, वो देखो, मुझे तो बहुत देर हो गई है। हाँ मुझे भी, अभी घर जाना होगा। तो फिर जल्दी है, बाय बाय। अरे तुम सबकी यूनिफॉर्म कहाँ गई? वो यूनिफॉर्म तो मेन मैच के लिए है ना? मैं नहीं चाहती थी कि ये मैच से पहले गंदी हो जाए। चलो शुरू करते हैं। सुनो सब लोग, पर हमारी
की टीम का नाम क्या रखे हम लोग? हाँ देखो जियान की टीम की तरह हम आसान सा नाम नहीं रखेंगे, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि हम कितने स्मार्ट हैं। प्रेटी गर्ल्स नाम कैसा रहेगा? प्रेटी क्यूट बेहतर रहेगा। हमने डिसाइड कर लिया। सच में? हमारा नाम है फाइन गर्ल्स। चलो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। वो देखो कितना लेट हो गया। हाँ मुझे भी अभी घर जाना होगा। तो फिर कल मिलते हैं। बाय। कल प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करनी ही होगी दोस्तों। प्रैक्टिस करो। स्टार्ट इन कोच बेसबॉल वर्जन। मैं तुम सब पर खूब मेहनत करूंगा और मैं तुम्हारी खूब प्रैक्टिस करवाऊंगा। वैसे तो मैं घबराओ मत, मैं तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि तुम जीत जाओगे। चलो चलो जल्दी करो, ये आराम का वक्त नहीं है। नोबिता बहुत मेहनत कर रहा है, हमें भी बिल्कुल ऐसे ही मेहनत करनी होगी। लेकिन और कितनी देर तक बोलो? जब तक नोबिता बॉल को कैच नहीं कर लेता तब तक वो रोबोट नहीं रुकेगा। हमें सच में मेहनत करनी होगी दोस्तों, अब सब कुछ सीखना होगा। हाँ हाँ मैं तैयार हूँ, मैं भी खेलूंगा, मैं बॉल को फेंकूंगा। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। क्या बात है, ये बंदा मुझे बहुत पसंद है। चलो फिर से बॉल खेलते हैं। अच्छा तो एक बात बताओ, तुम लोगों को बेसबॉल के बारे में क्या पता है? हमें कुछ भी नहीं पता। अगर ऐसा है तो मैं बनूंगा तुम्हारा डायरेक्टर, तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, समझे? ठीक है। तो हाँ गर्ल्स सब तैयार है ना? पता नहीं मैच का क्या होगा। सब ठीक होगा। ये लो। नहीं है दोस्तों, बॉल को मारो और भागो। ओके ठीक है। बैट को तो छोड़ दो और तुम बॉल को उठाओ। इसको पकड़ के मत भागो, इसको फेंको। अच्छा ये लो। ये तुम क्या कर रहे हो? देखो मत, भागो शिजुका। तुम्हें पता है कल मुझे होमवर्क में मिला था और मैंने बॉल को पकड़ लिया। क्या बात है, याद रखना बॉल को मारना है फिर भागना है। ये लो। अरे वाह तुम्हारा निशाना तो बहुत अच्छा है। ये लो। उस तरफ है थर्ड बेस, तुम इस तरफ जाओ। पर ऐसा क्यों? यही इस गेम का रूल है। तुम गुस्सा मत करो, बुरा मत मानो। देखो तुम आउट हो, भागो भागो। मैंने कहा भागो, जल्दी करो। तुम आउट हो गई हो? क्या मैं सच में आउट हूँ? मेरे ख्याल से मैं बहुत धीरे भागी। तुम्हें लगता है तुम धीरे भागती हो, स्लाइड कर लिया करो। लेकिन बात ये है, स्लाइड करने से मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे और मॉम मुझे बहुत डांटेगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये मुझसे नहीं होगा। अगर तुम नहीं चाहती तुम्हारे कपड़े गंदे हो तो बेसबॉल मत खेलो। अगला कौन है, जल्दी करो, अब चलो भी। तुमसे एक बॉल ढंग से मारी नहीं जाती जैको? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जियान की बहन हो। चलो घर वापस चली जाओ। नोबिता क्या हुआ? जेको कोशिश तो कर रही है ना, तुम उस पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? कोशिश करना काफी नहीं है शिजुका,
हम सब मेहनत कर रहे हैं लेकिन तुम बस हम सब पर चिल्ला रहे हो। तुम भी बिल्कुल जियान जैसे हो नोबिता। मैंने सोचा था तुम हमारा साथ दोगे। एक मिनट रुको, तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? हाँ बताओ। तुम सबको जियान ने खेलने के लिए मना किया था, उसके बावजूद मैं तुम सबकी मदद कर रहा हूँ। तुम मुझ पर गुस्सा कर रही हो कि मैं तुमसे ज्यादा मेहनत करवा रहा हूँ? तभी तो सब कहते हैं कि लड़कियाँ बेसबॉल नहीं खेल सकती हैं। अगर तुम सही कहते हैं, बेसबॉल मैच खेलना चाहते हो तो तुम अकेले ही खेल लो। बिल्कुल सही कहा। हाँ हाँ, हम तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। तुम भी ना नोबिता, कभी कभी तुम कुछ ज्यादा ही बोल देते हो। अब तुम जियान की टीम के साथ मैच कैसे खेल पाओगे बताओ मुझे। ठीक है, मैं खुद ही खेल लूंगा डोरेमोन। इसका मतलब हुआ कि चाहते हो? वो लड़के बेसबॉल खेलते हैं और जरा उसे देखो, वो तो एकदम रकून की तरह लगता है। मैं कोई रकून नहीं हूँ, समझे? हम लोग यही बैठ के बेसबॉल मैच देखेंगे, ठीक कहा? हाँ। चलो फिर, क्यों ना अब हम लोग शुरू करें। ठीक है, कुछ करता हूँ। एस कैप। देखो नोबिता, इस एस कैप को पहनकर तुम बहुत अच्छी तरह से खेल पाओगे। और ये है परफेक्ट कैच ग्लव्स, इन्हें जल्दी से पहन लो जिससे तुम हर बॉल को कैच कर पाओगे। तो ठीक है, तैयार। डर लगे तो किसी लड़की को भेज देना, मुझे पता है जो भी आएगा तुमसे अच्छा खेलेगा। फिक्र मत करो, बस पूरी कोशिश करो। मैंने तुम्हें जो कैप और ग्लव्स दिए हैं उनसे तुम बहुत अच्छा खेलोगे। हाँ शायद। स्ट्राइक! अरे ये क्या हुआ? स्ट्राइक टू! हाँ? स्ट्राइक टू, मेटाडोर! सुनो डोरेमोन, फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, ये है गोल्डन बैट। जब तुम इस बैट को घुमाओगे तो तुम आसानी से बॉल को मार सकते हो। ठीक है। मुझे यकीन है हम ही जीतेंगे। नोबिता जरा मेरी बात तो सुनो। स्ट्राइक! स्ट्राइक टू! ये क्या हो रहा है?
ने कहा था ना, तुम लोग मैच हमारे बिना हार जाओगे। हम सब रुक कर देखेंगे, ठीक है? अरे नहीं, स्ट्राइक बैटर आउट। कोई आइडिया सोचो। समझ गया मैं, चिंता मत करो। सुनो मेरी बात। चलो मैं तैयार हूँ। शिज़ुका पकड़ो। ये क्या? नहीं, रुको रुको। ये अच्छी बात नहीं है। सारी लड़कियां ठीक से नहीं खेल रही हैं। ऐसे तो नोबिता बहुत जल्दी थक जाएगा। चलो जल्दी करो, हम खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, समझे तुम? सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूँ तुम शिज़ुका और सारी लड़कियों को और मुझे भी सॉरी बोलो। अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ। दोस्तों, हम सब तैयार हैं। मैं समझा नहीं। देखो, मैच के लिए यूनिफॉर्म का होना जरूरी है, है ना? सही कहा। तुम सभी ना, हमें माफ करना नोबिता, तुम्हें हमारी वजह से गेम अकेले ही खेलना पड़ा। मेरी भी गलती थी, माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। चलो गोल्डन बैट का इस्तेमाल करते हैं। हमें भी माफ कर दो नोबिता, हम इस गेम को बिना चीटिंग के खेलना चाहते थे नोबिता। हाँ। अब हम सब मिलकर जियान की टीम को हराएंगे, ठीक है ना? हाँ नोबिता, हम तुम्हारा इस गेम में पूरा पूरा साथ देंगे, समझ गए? तो नोबिता तुम घबराओ मत, हम सब अब तुम्हारे साथ हैं। ये तो और भी अच्छी बात है। समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? सुनियो। हाँ? आज से तुम पिचर हो, ठीक है? हाँ? और मैं बनूंगा कैचर। अच्छा ठीक है जियान, जैसा तुम कहते हो वैसा करते हैं। चुप रहो और फिक्र मत करो। प्ले बॉल, उठो, तुम ये कर सकती हो। आप देखना मेरी बॉल कैसी जाएगी। तो करो स्ट्राइक। बैट को ऊपर से पकड़कर जरा बॉल पर ध्यान दो। तुम्हारा शुक्रिया। अब अगर वो आने की कोशिश भी करती है तो भी आउट ही होगी। तो
अरे ये हो क्या रहा है? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अरे हाँ हाँ कोई बात नहीं, मेरी बॉलिंग के आगे कोई भी नहीं टिक सकता। ये गेम यही खत्म होता है, जियान की टीम विजेता रही। मुझे तुम सब पर गर्व है। लेकिन तुम सब ने बहुत अच्छा खेला। हम तो हार गए नोबिता। चलो कोई बात नहीं, हम अगली बार जीतेंगे। लेकिन उससे पहले का इनाम नोबिता ये तुम्हारे लिए है। जियान तुम मीना। जियान बस भी करो जियान, मैं तुम्हारी टीम में हूँ।